वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है राम डाभी। तो आज है हमारा क्लास नंबर 2 अडोबे लाइटरूम के बारे में। आज हम जानेंगे कि क्रॉप ओवरले एंड स्पॉट रिमूवल टूल का क्या यूज होता है। तो चलिए, मैंने एक इमेज ले लिया है लाइटरूम के अंदर। तो पहले हम बात करेंगे क्रॉप ओवरले के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रॉप ओवरले, जैसे आप आर प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से फिर भी ये सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप माउस की क्लिक से यहाँ पर जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये, तो इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो बिल्कुल ये अपनी जो इमेज है इसके हिसाब से क्रॉपिंग दिखाएगा। बट आप यहाँ पर देखेंगे कि एक्सपेक्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिजिनल। तो यहाँ पर जो साइज हमें दिखाई दे रही है अभी ओरिजिनल साइज है, जो कि कैमरे में शूट हुई है वही साइज का क्रॉप दिखा रहा है। बट आप यहाँ पर जैसे ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी साइज आपको देखने को मिलेगी, और सभी साइज के ऊपर आप क्रॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एड टू शॉट है, ओरिजिनल और कस्टम है। एज शॉट करेंगे तो जो भी आपने क्लिक किया है वही शॉट उतना ही रहेगा, तो सेम टू सेम है, जो हमारा ओरिजिनल साइज था वही रहेगा। और फिर से इसके बाद में ओरिजिनल करता हूँ तो ओरिजिनल थे तो वही साइज रहेगी डेफिनेटली। और इसके बाद कस्टम, तो इसका क्या है, कस्टम में आप अपने हिसाब से ही साइज लगा सकते हैं, या फिर इसमें जो पर्टिकुलरली साइज दिया है वही साइज को सिलेक्ट करके भी आप क्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं देखिए 1:1 रेशियो है, इसके बाद 4:5 रेशियो है। ये जो 4:5 रेशियो है ये बिल्कुल हम इंस्टाग्राम में जब पोस्ट वगैरह करते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में आपको पोस्ट करनी है इमेज, तो क्रॉपिंग करने के लिए 4:5 रेशियो यूज होता है। 8:5 से लेके 11 तक का जो रेशियो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद 5:7, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। मान लीजिए मुझे अगर इस इमेज को इंस्टाग्राम में पोस्ट करना है तो उसकी मैं क्रॉपिंग कैसे लगाऊंगा, तो यहाँ पर 4:5 लिखा है तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो बिल्कुल ये इतना रेशियो आ चुका है। तो हमारा जो ये रेशियो है 4:5 से लेके 8:10 तक जाएगा। तो मैं अगर इसको कम करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं कम भी कर सकता हूँ, जितना भी चाहूँ उतना इमेज को यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो उसी तरह से मेरा ये क्रॉपिंग हो जाएगा। और ये जो इमेज है मैं जैसे इंस्टाग्राम में अपलोड करूँगा तो बिल्कुल उतनी साइज में ही आएगा, क्रॉप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फाइनली क्रॉप हो जाएगा उस हिसाब से, फिर वहाँ पर क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है और क्रॉप भी नहीं होगा उधर। आप फुल साइज में जितना यहाँ पर आपने रखा वही साइज पे वहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं क्रॉपिंग करके। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये जैसे मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो इतना क्रॉप हो चुका है। इसके बाद फिर से मैं कल्टर जेड कर दूंगा तो मेरा जो साइज था वही आ जाएगा। इसके बाद फिर से मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हो कि एंटर कस्टमाइज, जो आप चाहते वही साइज में आप क्रॉप करना चाहते हैं अपनी इमेज को, तब हम करेंगे एंटर कस्टमाइज साइज। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एंटर कस्टमाइज एक्सपेक्ट रेशियो, तो यहाँ पर आपको दो ही चीज़ डालनी है, वाइट एंगल और हाइट एंगल। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने 4 टाइप कर दिया और यहाँ पर मैं 6 टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर दो ही चीज़ आई। यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, रेजोल्यूशन वही रहेगा जो इस इमेज का ओरिजिनल रेजोल्यूशन होगा, वही इमेज का रेजोल्यूशन रहेगा। तो यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन को डिफ़ॉल्ट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा, ओनली साइज़ को ही आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 4:6 का जो साइज़ है वो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। इसके बाद मैं कर रहा हूँ इसको ओके। तो बिल्कुल जैसे मैंने ओके कर दिया तो यहाँ पर देखिए जैसे आ चुका है, और इसके बाद जैसे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ तो बिल्कुल इतना ही साइज़ में ये क्रॉप होगा। देखिए जैसे 4:6 साइज़ में ही क्रॉप होगा, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और इसके बाद कर दूँगा 4:6 में ये क्रॉप हो जाएगा। या फिर इसको रिसीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये रिसीट भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एंगल भी है, अगर आपका जो इमेज है इसका फ्रेम थोड़ा सा टेढ़ा है या फिर टेढ़ा शूट हुआ है तो आप यहाँ से इसको एंगल भी सही कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4:5 का जो रेशियो है लगा दिया, इसके बाद मैं एंगल इसका थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ तो उस एंगल को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, वो सेम टू सेम रहेगा। ये जो आपका इमेज है इसका जो रोटेशन है वही चेंज होगा, तो यहाँ से आपका उसका एंगल है वही चेंज होगा। अगर थोड़ा सा, इतना ज़्यादा तो नहीं होता है बार बार, बट थोड़ा सा होता है डिफरेंट, या फिर इतना या फिर थोड़ा सा होता है, तो उसको आपने सही करने के लिए आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद जैसे डन करेंगे तो वो सेम टू सेम सही हो जाएगा। तो इसको एंगल को सही करने के लिए आप एंगल भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है ये है स्पॉट रिमूवल, इसका काम क्या है। देखिए आपकी इमेज में अगर ज़्यादातर यूज़ तभी होता है, आपकी जो इमेज है इसके ऊपर फेस के ऊपर अगर डार्क सर्कल ज़्यादा है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, उस जगह को आप हिडन करना चाहते हैं, इस सारी चीज़ों में स्पॉट रिमूवल यूज होता है। जैसे कि आपके फेस के ऊपर बहुत सारे डार्क धब्बे हैं तो उसको आप रिमूव करना चाहते तब भी ये स्पॉट रिमूवल यूज होता है।
कैसे, मान लीजिए एक मेरा जो ये इमेज है इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड पे बहुत सारे पत्ते वगैरह पड़े हैं, बट ये पत्ते कुछ ऐसे हैं जिसको ये पेड़ है इसके पत्ते नहीं है, ये कुछ अलग डिफरेंट टाइप के, तो मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लूँगा, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा स्पॉट रिमूवर, और इसके बाद आप यहाँ से इसका साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं टूल, इसका साइज़ वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो बढ़ रहा है, और इसके बाद इसका जो फेदर है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसका ऑप्टिक्स है इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आप इसको यूज़ करने से पहले भी सेटिंग कर सकते हैं, और जब आप यूज़ कर लेंगे उसके बाद भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, फेदर वगैरह चेंज करना चाहते हैं या फिर इसका ऑप्टिक चेंज करना चाहते हैं, फिर भी आप यूज़ करने के बाद भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि मान लीजिए ये जो पत्ते हैं इसको अगर मैं रिमूव करना चाहता, तो मैंने बिल्कुल यहाँ पर जूम करके ये जो पत्ते हैं इसको मैं जैसे यहाँ पर रिमूव करना है तो मैं इसको पेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मान लीजिए यहाँ तक मैंने इसको पेंट कर दिया, ठीक। जैसे मैंने पेंट किया तो उसने जो उसके साइड से जो सैंपल है वो उठा के वहाँ पर रख दिया है, तो यहाँ पर ये सैंपल उठा के आ गया है, ये वाला जो पार्ट है वो एरिया यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर इसका कंट्रोल भी होता है, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ बिल्कुल हिल में चला गया। अब यहाँ पर अगर मैं इसका साइज़ वगैरह कम करना चाहता हूँ या फिर फेदर वगैरह इसको कम ज़्यादा करना चाहता हूँ, ये फेदर वगैरह में तभी चेंज करनी होती है जब हम दूसरे एरिया को कॉपी करके वहाँ पर रखा है उस एरिया को मैच करना होता है, तब हम इसको फेदर वगैरह की चेंजिंग करते हैं। जैसे कि अभी देखिए थोड़ा सा अगर मैं जो चेंज करना है इसमें, मैं जैसे इसकी फेदर वगैरह कम करूँगा तो कम होगी और बढ़ाऊँगा तो बढ़ेगी। अब ये फेदर वगैरह कैसे काम करता है और इसका क्या यूज़ है, देखिए जैसे ये मैंने यहाँ पर दूसरा लगाया, ठीक, यहाँ पर क्लिक किया तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये मुझे बिल्कुल कटा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने रिमूव किया है वहाँ पर मुझे बिल्कुल सही तरीके से कटिंग नहीं लगी है, या फिर सही तरीके से वो जो पार्ट है वो नहीं लगा है, बिल्कुल कटिंग किया हुआ या फिर कट करके यहाँ पर लगाया ऐसा दिख रहा है, और ये लाइनिंग भी दिख रही है मुझे। अगर इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो आप इसको सिंपली यहाँ पर ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करिए, जैसे आप क्लिक करेंगे तो बिल्कुल ये ब्लैक कलर का हो जाएगा, और इसके बाद जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आप जो ये फेदर है इसको आप जैसे जैसे बढ़ाओगे तो उसकी जो लाइनिंग थी वो भी कम होती जाएगी, देखिए जैसे मैंने बढ़ाया तो लाइनिंग कम हो गई। फिर से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसकी जो फेदर है वो फिर से मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ से, और फिर से मैं देखूँगा कि क्या हुआ। तो देखिए जैसे मैंने उसको फेदर बढ़ाया तो उसी तरह से ये अपनी जो लाइन है वो रिमूव हो जाएगी और बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से वो मैच हो जाएगा एरिया। इसके बाद इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, और ये भी गलत लगा है तो इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये लग चुका है। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो सिंपली मुझे वही सेटिंग रखनी है और इसको पेंट करना, जैसे मैं इसको क्लिक को छोड़ दूंगा तो ये बिल्कुल एक एरिया क्लिक कर लेगा। ये जो एरिया क्लिक किया है इसका ये देखता है कि कौन सा एरिया इसके साथ मैच होगा, और इसी तरह से वो वहाँ से सैंपल उठाएगा और आपने जो सिलेक्ट किया है उसके ऊपर ये सैंपल रख देगा। बट अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ये जो पॉइंट है इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप किसी भी एरिया में रख दीजिए तो वही सैंपल यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे लगता है कि ये वाला सैंपल मैं यहाँ पर रख दूंगा तो बिल्कुल प्रॉपरली मैच हो जाएगा, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूंगा, एरिया का जो पार्टीशन है एरिया चेंज कर दूंगा इसका, ठीक है। इसके बाद इसकी अगर मैं फेदर वगैरह कम ज़्यादा करना चाहता हूँ तो भी कर सकता हूँ, बढ़ाना चाहो तो भी बढ़ा सकता हूँ। तो जैसे आप ऑप्टिक्स का भी मतलब वैसा ही होता है जैसे फेदर का होता है, जैसे आप ऑप्टिक्स को कम करोगे तो पीछे वाला पार्ट होगा वो दिख जाएगा, अगर आप जैसे इसको बढ़ाओगे तो प्रॉपरली तरीके से जो आपने ऊपर वाला सैंपल है वो दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, और इसके बाद ये जो है इसको मैं जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो थोड़ा सा मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं क्लिक किया उसे बिल्कुल सही तरीके से लग चुका है। इसके बाद फिर से मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ, और इसके बाद इसको भी मैं थोड़ा सा रिमूव कर लूँगा, और इसको भी मैं रिमूव कर लूँगा, ठीक है। और सारे जितने भी हम पार्ट को रिमूव करना चाहते हैं पहले हम इसको ध्यान से कर लेंगे, अगर इसको चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे वैसे ही सिलेक्ट हो जाएगा, और इसका जो कंट्रोल है ये बिल्कुल यहाँ पर है, क्लोन है, ठीक है। इसके बाद हिल है, इसको क्या कर सकते हैं, हिल एक ऐसा है कि जैसे आप जैसे किसी को भी पेंट करेंगे, जैसे मैंने इस एरिया को पेंट किया तो ये बिल्कुल एक शाडो डार्क एरिया और कलर टोन सबको मैच करके आपको यहाँ पर रख देगा। तो ये तीनों चीज़ों को मैच करता है, इसमें आपका डार्क एरिया भी मैच करता है और कॉन्ट्रास्ट शाडो और कलर टोन सारी चीज़ों को मैच करता है, उसके बाद सैंपल उठा के आपको दिखाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर इसमें भी कुछ गलत होता है या फिर गलत पार्ट सिलेक्ट हो जाता है तो इसको भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं कहीं भी,
और इसका भी आप यहाँ से फेदर वगैरह कम करेंगे तो इसका जो पार्ट है अच्छी तरह से दिखाई देगा, ठीक है। इसका अगर मैं ऑप्टिक्स थोड़ा कम कर दूँ तो इसी तरह से दिखाई देगा। चलिए इसका बिफोर आफ्टर देखते हैं कैसा हुआ है। तो मैं जैसे यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, इसके बाद मैं इसको फिट कर रहा हूँ। तो ये है इसका पहले वाला एरिया, इसके बाद हम बिफोर आफ्टर देखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये है मेरा पहले वाला, जब मैंने स्पॉट रिमूवल स्टार्ट किया था और सभी जगह पर मैंने स्पॉट रिमूवल को यूज़ किया, तो ये वाला जो पार्ट है वो मैंने हटा दिया। देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये पार्ट मैंने बिल्कुल यहाँ से हटा दिया है। इसके बाद बहुत सारे जो पार्ट है वो भी मैंने हटा दिया, ये वाला पार्ट था तो यहाँ से भी हटा दिया है। इसके बाद ये पैरों में था तो ये भी यहाँ पर हटा दिया है। यहाँ से भी बहुत सारे पार्ट मैंने रिम्यू कर दिए, ये वाले भी, और सारे पार्ट मैंने जो यहाँ रिम्यू कर दिए, ठीक है। तो ये बिफोर आफ्टर आप देख सकते हो। तो स्पॉट रिमूवल से आप जो भी चीज़ को रिमूव करना चाहते वो भी कर सकते हैं। इसके फेस के ऊपर आपको बहुत सारे पिंपल दिखाई देंगे, अगर उसको भी आप रिमूव करना चाहते तो उसको भी आप कर सकते हैं इजीली। जैसे मैंने इसको जूम किया और स्पॉट रिमूवल मैंने फिर से सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं इसकी फेदर वगैरह कम ज़्यादा करना चाहता हूँ, साइज़ को कम कर लूँगा। जब हम फेस के ऊपर यूज़ करेंगे तो हमारे स्पॉट रिमूवल का जो साइज़ है वो हम बहुत ही छोटा रखेंगे, बहुत ही स्मॉल साइज़ में रखेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा लूँगा और फेदर वगैरह हम ज़्यादा रखेंगे। और ये जो एरिया है इसको हम क्लिक करके यहाँ से ये कर देंगे, बिल्कुल अपने जो साइड वाला पार्ट होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक ही करना है। देखिए जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अपना जो ये पिंपल है इसको, और यहाँ पर जो गलत लग गया है इसको हम क्या करेंगे, इसको फिर से क्लिक करके यहाँ से हम इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ से ये वाला जो एरिया है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, जितना हो सके उसके जहाँ से आपने क्लिक किया है तो उसका जो बाजू वाला एरिया है इसको ही आप सैंपल के तौर पे सिलेक्ट करें, तो उसका जो कलर टोन होगा वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अगर आप बहुत दूर से इसको सैंपल लेंगे तो आपका जो कलर टोन होगा, शैडो होगा, वो डिफरेंट हो जाएगा। और यहाँ पर भी मैं लगा रहा हूँ, चलिए मैं इसको डन कर रहा हूँ, और एक भी यहाँ पर भी लगा रहा हूँ, चलिए ओके। और इसकी अगर मैं डन कर रहा हूँ, इसके बाद मैं बिफोर आफ्टर देखना चाहता हूँ। यहाँ से जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो बिफोर आफ्टर में ये जो पिंपल थे वो बिल्कुल हट चुके हैं। आप इसे आराम से करेंगे तो बहुत ध्यान से इसको यूज़ करना होता है, तो इसके बाद आप करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। इसका कोई भी दाग वगैरह भी नहीं रहेगा, यहाँ पर कोई भी इसका निशान भी नहीं रहेगा, तो सारी चीज़ें आप इसको कर सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। स्पॉट रिमूवल से ये चीज़ें आप इसको रिमूव कर सकते हैं अपने इमेज को। और इसके बाद इसको यहाँ से सिंगल मोड कर देंगे और इसको आप सेव कर सकते हैं बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया। फाइल में जाके आपने एक्सपोर्ट कर देना और इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे न्यू वीडियो में। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।